नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कलयुग का रहस्य और भविष्यवाणियां। कलयुग भारतीय पुराणों और हिंदू धर्म में समय के एक काल को कहते हैं। यह चार युगों में से आखिरी युग है और इसे अंधकार और मुश्किलों से भरा माना जाता है। इस वीडियो में हम कलयुग के रहस्य, इसकी विशेषताएं और इसके बारे में की गई अलग अलग भविष्यवाणियों के बारे में जानेंगे। कलयुग क्या है? कलयुग हिंदू धर्म के अनुसार चार युगों का आखिरी युग है। यह सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद आता है। कलयुग को अज्ञानता, पाप और अधर्म का युग माना जाता है। कहते हैं कि कलयुग महाभारत युद्ध के बाद शुरू हुआ। यह युग लगभग 4,32,000 वर्षों तक चलेगा। धर्म का पतन। कलयुग में धर्म का नाश होता है। सच्चाई, दया और तपस्या जैसे गुणों में कमी आ जाती है। नैतिकता में गिरावट। इस युग में अच्छे संस्कारों का पतन होता है। लोग अपने स्वार्थ और भौतिक सुखों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। जीवन में अराजकता। कलयुग में समाज में अराजकता और अनिश्चितता का माहौल होता है। युद्ध, झगड़े और असमानता बढ़ जाती है। अधर्म का बोलबाला। कलयुग में बुराई का राज होता है। सच की जगह झूठ और अन्याय का प्रभाव होता है। मानव व्यवहार में बदलाव। इस युग में मनुष्यों के व्यवहार में कई बुरे बदलाव देखने को मिलते हैं। लोग ज्यादा स्वार्थी, गुस्सैल और लालची हो जाते हैं। परिवार और समाज में विघटन। परिवार और समाज के ढांचे में टूटन होती है। रिश्तों में प्यार की जगह कड़वाहट आ जाती है। कलयुग के बारे में भविष्यवाणियां। प्राचीन ग्रंथों में भविष्यवाणियां, महाभारत, भागवत पुराण और दूसरे धार्मिक ग्रंथों में कलयुग के बारे में कई भविष्यवाणियां की गई हैं। गुरुओं और ऋषियों की भविष्यवाणियां। महर्षि वेद व्यास और दूसरे गुरुओं ने कलयुग के बारे में कई भविष्यवाणियां की हैं। कलयुग के अंत की भविष्यवाणी। कहा जाता है कि कलयुग का अंत भगवान कल्कि के अवतार के साथ होगा, जो बुराई का नाश करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के प्रारंभिक संकेत। सत्य का अभाव। कलयुग में सच का अभाव होता है। लोग झूठ बोलने और धोखा देने में नहीं हिचकिचाते। भौतिकवाद का बढ़ावा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण बढ़ता है। लोग धर्म और अध्यात्म से दूर होते जाते हैं। पारिवारिक ढांचे का पतन। पारिवारिक ढांचे में बदलाव आते हैं। परिवारों में एकता और प्यार की कमी हो जाती है। कलयुग के विभिन्न चरण। प्रारंभिक चरण। इस चरण में कलयुग के लक्षण धीरे धीरे दिखाई देते हैं। मध्य चरण। मध्य चरण में कलयुग के लक्षण तेज हो जाते हैं। बुराई और अराजकता का बोलबाला होता है। अंतिम चरण। अंतिम चरण में कलयुग के सभी लक्षण पूरी तरह से दिखाई देते हैं। समाज में टूटन और मुसीबत की स्थिति होती है। कलयुग से संबंधित पौराणिक कथाएं। महाभारत। महाभारत में कलयुग का वर्णन मिलता है और इसके शुरू होने के संकेत भी बताए गए हैं। भागवत पुराण। भागवत पुराण में कलयुग की विशेषताओं और भविष्यवाणियों का विस्तृत वर्णन है। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में कलयुग के लक्षण और भगवान कल्कि के अवतार का उल्लेख है। कलयुग में धर्म का भविष्य, धर्म का पतन और उत्थान। कलयुग में धर्म का नाश होता है, लेकिन अंत में धर्म का उदय भी होता है। भगवान कल्कि बुराई का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। भक्ति का महत्व। कलयुग में भक्ति का विशेष महत्व है। भक्ति से
लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग का प्रभाव और वर्तमान स्थिति समाज पर प्रभाव। कलयुग का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। समाज में अनैतिकता, अधर्म और अराजकता का बोलबाला होता है। वर्तमान में कलयुग के लक्षण, आज के समय में भी हम कलयुग के कई लक्षण देख सकते हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, अनैतिकता और अधर्म का बोलबाला। कलयुग का अंत और नया युग, कल्कि अवतार की भविष्यवाणी। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा, जो बुराई का नाश करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। नए युग की स्थापना कल्कि अवतार के बाद सतयुग की स्थापना होगी, जिसमें सत्य, धर्म और न्याय का शासन होगा। FAQs: कलयुग कितने वर्षों का होता है? कलयुग लगभग 4,32,000 वर्षों का होता है। कलयुग का आरंभ कब हुआ? कलयुग का आरंभ महाभारत युद्ध के बाद माना जाता है। कलयुग का अंत कैसे होगा? कलयुग का अंत भगवान कल्कि के अवतार के साथ होगा, जो बुराई का नाश करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग में धर्म का क्या भविष्य है? कलयुग में धर्म का पतन होता है, लेकिन अंत में भगवान कल्कि के अवतार के साथ धर्म की स्थापना होती है। कलयुग में मानव व्यवहार कैसा होता है? कलयुग में मानव व्यवहार में स्वार्थ, क्रोध और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं का बोलबाला होता है। कलयुग के अंत के क्या संकेत हैं? कलयुग के अंत के संकेतों में अधर्म का चरम पर होना, अराजकता और समाज में व्यापक संकट शामिल हैं। निष्कर्ष: कलयुग भारतीय पुराणों में एक महत्वपूर्ण युग है, जो अज्ञानता, अधर्म और अनैतिकता का प्रतीक है। इसके बारे में कई भविष्यवाणियां की गई हैं, जिनमें भगवान कल्कि का अवतार और सतयुग की स्थापना शामिल है। कलयुग के लक्षण आज के समय में भी देखे जा सकते हैं और यह युग एक महत्वपूर्ण विचार का विषय बना हुआ है। अगर कलयुग में माँ पराशक्ति की पूजा करने से महान लाभ मिलता है, यहाँ आपके जीवन में उनकी दिव्यता की भिन्न विरार बातों में किया जाता है, जिसमें आध्यात्मिक शांति, मानसिक तनाव से मुक्ति, शांति का अनुभव, सकारात्मक ऊर्जा, अपने घर में सकारात्मकता का संचार जिससे सुख और समृद्धि आएगी, वित्तीय लाभ, उनके आशीर्वाद से अपनी वित्तीय स्थिति में आपका सुधार होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, स्फूर्ति महसूस करेंगे, पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, अपने परिवार में प्रेम और सद्भाव बढ़ेगा, जीवन की चुनौतियों पर आसानी से विजय प्राप्त होगी, संकटों से सुरक्षा होगी, संकटों से सुरक्षित रहना, आत्मविश्वास में वृद्धि, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना, सफलता प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना और सही निर्णय लेना, भक्ति में वृद्धि होना, अपनी भक्ति को गहरा करना, ईश्वर जी के प्रति समर्पण करना, कर्म में सुधार, अपने कार्यों में सुधार करना और अपने कार्यों के लिए प्रेरणा प्राप्त करना, इच्छाओं की पूर्ति, उनकी कृपा से आपकी इच्छाओं को आप महसूस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बुरी शक्तियों से खुद को नकारात्मक शक्तियों से दूर करेंगे, माता पिता का आनंद, बच्चों का आशीर्वाद, उनकी खुशी का अनुभव करना, सद्गुणों का विकास, नैतिकता और अखंडता को विकसित करना, धार्मिक और धार्मिक चेतना को बढ़ाना, धार्मिक मार्ग का अनुसरण करना, मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष की ओर ले जाने में यात्रा में आपकी सहायता होना, सामाजिक सम्मान, समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि होना, मनोबल बढ़ना, मनोबल का निर्माण करना, आत्मनिर्भर बनना, प्रकृति से जुड़ाव, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, माँ पराशक्ति की पूजा करने से ये सारे लाभ आपको जीवन में मिलेंगे, जिसमें सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास शामिल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय माँ पराशक्ति।